हेलो गाइस हाय तस्नीम जल्दी 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 आ जाओ जल्दी जल्दी बच्चों को बुला के ले आओ गाइस चलो 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 चलो, चलो. थोड़े से बाल खराब हो गए हाय अंकुश सिसोडिया हाय परवीन सिंह कैसे हो हाय श्रेया कुमारी हेलो आर्यन सिंह कैसे हो बच्चा पार्टी कैसे हो बच्चा पार्टी चलो 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 फटाक से काम करेंगे फटाक से पढ़ना शुरू करेंगे जितना हो सके फटाफट फटावट चैप्टर को खत्म करेंगे गया डेट मॉडिफाई कर लो आज की हाँ चलो 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 हाय एक कौन है भैया एक क्वेश्चन है अरे भाई हाँ अनुष ठाकुर हाय सक्षम गुप्ता हाय अभिषेक चलो 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 सबको आ जाना है सारे बच्चों का आ जाना है चलो तेईस पच्चीस बच्चे आ गए आई वॉज तो एक्सपेक्टिंग कि संडे को भी इतना क्राउड आएगा पर ठीक है कि सेशन नहीं हो रहे मैक्स का सेशन होगा बेटा होगा 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 सर बस अपना शेड्यूल अन अकाडमी से फाइनल कर ले बेटा संडे है हर कोई नहीं पढ़ाता है हम ही थोड़े से क्रेजी है हम पढ़ा रहे हैं चलो 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 जल्दी जल्दी सबको आ जाना है जल्दी जल्दी जहां तक हो सके हमें इस लिंक को स्प्रेड कर देना है। so, स्वागतम हाँ गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है आप लोगों के चैनल अन अकेडमी सी ए फाउंडेशन पे जहां पे अब हम शुरू करने वाले आज बी सी के का चैप्टर वन क्या शुरू करने वाले अब हम शुरू करने वाले हाँ ठीक है गाइस सबका अपना अपना ओपिनियन है जिसको रहना है, रहे नहीं पढ़ना है ना पढ़े जिसको पढ़ना है पढ़े बट पढ़ जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ने दे गाइस प्लीज 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 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं गणपति बापा के नाम पे प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज बॉस जिनको पढ़ना है उनको पढ़ने दो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब गाइस शुरू करते हैं अब हमें पढ़ना है कि आज हमारा सबसे पहला चैप्टर है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज तो गाइस अब गाइस एक चीज़ समझ लेना आज की दुनिया में कमाना और खर्च करना दोनों ही इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में लोगों को मैटर ये भी करता है कि आप अपने पैसे जहां आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए पैसे कहां से कमाओगे और इकोनॉमी में जो आप पैसे कमा रहे हो उस पैसों में से कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हो और उसमें से कितना पैसा सेव करना चाहते हो वो भी इंपॉर्टेंट है पूछो ना बेटा जो सवाल है पूछ सकते हो ठीक है हाँ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सो बिजनेस एंड कॉमर्स आर बिजनेस में और कॉमर्स में क्या आता है बिजनेस मतलब सारी चीजें सर मैं एक गुड्स बना रहा हूं मैं एक सर एप्पल मोबाइल फोन वाला हूं जिसने अभी रिसेंटली आईफोन 15 प्रो आईफोन 50 फिफ्टी प्रो मैक्स और आईफोन 15 प्लस का प्रोडक्शन क्या उत्पादन किया क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं यस आई एम डूइंग अ बिजनेस मैं क्योंकि फोन बना रहा हूं अब फोन बन रहे हैं पर पूरे दुनिया भर में हर एक शहर में हर एक कंट्री में हर एक स्टेट में वो फ़ोन बिकने जा रहे हैं पहुंच रहे हैं जितने भी दुनिया भर के एप्पल स्टोर है उसको हमें वहाँ तक पहुंचाना है दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अब कहीं ना कहीं वो गुड़ सारे दुकानों तक पहुँच गया है अब फाइनली हमारे दुकाने में कस्टमर कंज्यूमर्स आएंगे वो कहीं ना कहीं पैसे देंगे और बदले में आईफोन 15, 15 प्रो मैक्स या जो भी उनको आईफोन खरीदना है वो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिजनेस एंड कॉमर्स है एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट तो तीन चीजें याद रखना एक है प्रोडक्शन एक है डिस्ट्रीब्यूशन एक है एक्सचेंज तीन चीजें जो हमारे बिजनेस का हिस्सा बनती है ये बीसी के का हिस्सा बनती है वो तीन चीजें क्या सिर्फ गुड्स लाने से कुछ नहीं होगा हमें फाइनली कंज्यूमर के साथ उसको एक्सचेंज भी कराना पड़ता है अब नेक्स्ट टॉपिक क्या चलते गाइस व्हाट आर अ डोमेन डोमेन का पहले मतलब समझ लो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है डोमेन का मतलब होता है नॉलेज बीसी के के बीसी के से पढ़ने से क्या नॉलेज क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है सब्जेक्ट डोमेन का एक सिंपल भाषा बोलो ये सब्जेक्ट बी का डोमेन क्या है जैसे को बोलते है ना कि कोई टीचर बोलता है कि जैसे बोल जैसे हमारे यहाँ एक हमारे हाँ, हाँ, कोई टीचर है वो टीचर बोल रहे हैं कि माय डोमेन इज फॉर अकाउंटेंसी तो उनका एक्सपर्टीज इन अकाउंट्स है कोई बोल रहा है टैक्स और एक्सपर्टीज इन टैक्स है कोई लॉ बोल रहा है तो एक्सपर्टीज इन लॉ है तो दैट इज कहीं ना कहीं डोमेन अब आगे बोलते हैं बी सी के डोमेन में तीन चीजें आती है वो टेबल है क्या हाँ बी सी के डोमेन में तीन चीजें आती है सबसे पहले बी है बहुत वास्ट वास्ट मतलब वास्ट हम सिर्फ और सिर्फ अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है होलसेलर एक होता है रिटेलर चलो होलसेलर को साइड में रखो अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिटेलर की बात करें तो रिटेलर भी एक होते हैं एक होते हैं जिनकी फिक्स प्लेस हो जिनकी होती है नॉन फिक्स प्लेस अब नॉन फिक्स प्लेस में भी दो होते हैं एक होते है स्मॉल एक होते है बिग बिग में भी बहुत सारे होते हैं एक होता है मल्टीपल चेन एक होता है डिपार्टमेंटल स्टोर एक होता है हमारा सुपर मार्केट हाइपर मार्केट बहुत सारे मार्केट तो गाइस इतने सारे तरीके के बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ रिटेल का काम करते फिर होलसेल फिर प्रोडक्शन फिर मैन्युफैक्चरिंग इतने सारे बिजनेस को समझना पड़ता है इनको समझना आसान नहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है तो बीसी के इज वास्ट आप जब रिटेल में देख रहे हो तो हमें डोर टू डोर बेचने वाले को भी देखना है और एक बड़ी सी दुकान लेके जो काम कर रहा है उसे भी देखना है कि नहीं हमें डोर टू डोर भी देखना है और जो एक बड़ी सी दुकान लेके काम कर रहा है उसको भी साथ में लेकर चलना है अब नेक्स्ट है बीसी के एक्लेटिक एक्लेटिक का मतलब होता है मल्टी डेबल खुद का नहीं है इसने शब्द वगैरह बहुत सारे जगहों से लिए जैसे कि अकाउंट्स के वर्ड्स जैसे कि फाइनेंस फाइनेंस में जैसे कि मैं आपको फाइनेंस के वर्ड बताऊं तो ये आपके जितने भी स्टॉक है शेयर्स है ये सारे वर्ड्स है आपके कैपिटल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका डेप्ट है इक्विटी है ये सारे फाइनेंस के वर्ड है बिजनेस को कैसे चलाते हैं मैनेजमेंट रिलेटेड वर्ड्स अब इसके आपके बुक्स में कुछ कुछ वर्ड्स थी जैसे कि कुछ वर्ड्स हमारे मिलिट्री से भी उठाए गए जैसे कि स्ट्रैटेजी जैसे कि लॉजिस्टिक कुछ वर्ड हमारे बायोलॉजी से उठाए हुए जैसे कि बोलेश जैसे कि बेहरिश जैसे बोल नीचे से ऊपर मारता है इसलिए उसको बुलेश बोलते हैं बियरिश जैसे एक भालू ऊपर इंसान को नीचे गिराता है इसलिए उसको बेहरिश बोलते हैं ये बहुत सारी जगह से अब इसमें याद रखना साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी सो, जब हम किसी एक इंडिविजुअल इंसान के परस्पेक्टिव को समझ रहे हम सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान के परस्पेक्टिव को समझ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी साइकोलॉजी जब हम एक किसी सोसाइटी के जब हम किसी समाज के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे जब किसी समाज के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं उसको हम बोलेंगे सोशियोलॉजी ठीक है और लास्ट है बीसी के एस एवर इंग इवाल होता रहता है गाइस एक ज़माना था लोग बाटर से पहले लोग सिर्फ ख़ुद के लिए खाना उगाते थे फिर लोगों ने बाटर किया फिर छोटे से स्टॉल्स लगाए फिर बड़ी दुकानें बनी और बड़ी दुकानें बनी फिर मॉल बनी फिर यही दुकानें ऑनलाइन वेबसाइट पर गई ट्वेंटी फोर सेवन हुई और आज यही सारी चीज़ें इंस्टामार्ट तक पर पहुँच गई हमारा बिज़नेस जैसा था वैसा नहीं है आसपास का माहौल आसपास का सराउंडिंग बदल रहा है हमारे बिजनेस इवॉल्व हो रहे हैं हमारे बिजनेस और बेटर और अच्छे बनते जा रहे हैं कि नहीं सो दिस बी सी के इज़ एवर इवोल्विंग दिस बिज़नेस इज़ गेटिंग बेटर डे बाई डे और बेटर होते जा रहे कि नहीं होते जा रहा ये जो हमारा बिज़नेस है कहीं ना कहीं और बेटर बेटर डे बाई डे बेटर होते जा रहा है बिल्कुल होते जा रहा है अब नेक्स्ट है लेटेस्ट इनोवेशन ये सारी चीजें हो गई अब नेक्स्ट है व्हाट आर द डोमेन्स अब हम डोमेन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले डोमेन में आता है हमारा एक्टिविटीज हमारी क्या क्या एक्टिविटीज आती है तीन तरीके की एक्टिविटीज आती है एक है हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करना दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अब जो हमने गुड्स बना लिए हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेड करने की जरूरत है तो ट्रेडिंग के दो मार्केट होते हैं एक होता है इंटरनल मार्केट जिसको हम डोमेस्टिक मार्केट बोलते हैं और एक होता है इंटरनेशनल मार्केट जिनको हम फॉरेन मार्केट जब हम गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग हमारे ही कंट्री में कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक बट जब ये गुड्स दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है दो देशों के लोग लो आपस में ट्रेड कर रहे हैं उससे हम बोलेंगे फॉरन अब नेक्स्ट है कॉमर्स मतलब वो सारी सर्विसेज जो हमारे बिजनेस में काम आ रही है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि वेयर हाउसिंग जैसे कि बैंकिंग जैसे कि इंश्योरेंस जैसे कि कम्युनिकेशन जैसे कि एडवरटाइजमेंट ये सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को आगे लेके जा रही है कि नहीं ये सारी सर्विसेज से कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को फायदा हो रहा है उसको हम बोलेंगे कॉमर्स अब नेक्स्ट है हमारा स्केल स्केल होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज अगर मैं आपको सीधी सी भाषा में बताऊं तो ये बेसिकली हमारे इंडिया में दो तरीके से क्लासिफाइड है ये स्केल क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एज वेल एज टर्न क्या किसके बेसिस पे क्लासिफाइड है दो चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफाइड है एक है मेरा कैपिटल और उसके साथ में टर्न ये कैपिटल और टर्न के बेसिस में होता है जैसे एक करोड़ हुआ तो माइक्रो दस करोड़ हुआ तो माइक्रो पांच करोड़ हुआ तो माइक्रो दस को पचास पच्चीस ऐसे हर एक की लिमिट दी हुई उस लिमिट तक काम करोगे तो हमारा आ जाता है जैसे एक करोड़ दस करोड़ और पचास करोड़ ऐसा हमें लिमिट दी हुई है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है फॉर स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अब नेक्स्ट है जोग्राफिकल स्कोप सपोज मैं एक आइसक्रीम वाला हूँ जो सिर्फ और एक मिठाई वाला हूं जो सिर्फ और सिर्फ अपने शहर में ही बेच रहा हूं ट्स लोकल अब सपोज मैं कोई कन्हैया ऐसी कोई मिठाई वाला हो जो इंडिया भर में बेच रहा हूँ, दैट्स नेशनल अब फॉर सपोज मैं हल्दीराम जैसा हूँ जो इंडिया नहीं बहुत सारे देशों में भी अपना सामान बेच रहे जो इंडिया में नहीं साथ, साथ में बहुत सारे देशों में बहुत सारे कंट्रीज में अपना सामान बेच रहे तो हम क्या हो गए एक तरीके के मल्टी नेशनल हो गए कि नहीं एक तरीके के मल्टी नेशनल हो गए कि नहीं बिल्कुल अरे गाइस कमेंट करो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा यस सौ नो यहाँ तक पढ़ लिए दस मिनट की क्लास हो गई कोई कमेंट ही नहीं कर रहा चलो 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 जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो हेलो 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 कोई क्लास में है कि नहीं समझ आए कि नहीं हेलो 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 यस yes, सर चलो बाकी सबको भी कमेंट करना अंकुश ने किया बाकी लोग भी कमेंट कर भले पांच बच्चे पढ़ रहे हो अब नेक्स्ट है ओनरशिप ओनरशिप दो तरीके से हो सकती है एक होती है स्टेट ओन यानी गवर्नमेंट उसको हम बोलते हैं है। जहां पे किसको कहीं ना कहीं सर जो विच आर ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट जिसको ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट करता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बट जो चीजें और मैनेज कंट्रोल हम जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा जैसे कि सोल से जैसे कि पार्टनर से जैसे कि एच जैसे कि कोपेटिव जैसे कि कंपनी जो हम जैसे नॉर्मल लोग जिस चीजों को ओन कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं हम जैसे नॉर्मल लोग जिस चीजों को ओन कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं तो बन जाएगा प्राइवेट अब मार्केट की रिसोर्सेज वाला इक्विपमेंट मतलब गुड्स कमोडिटीज मतलब गोल्ड सिल्वर कैपिटल मतलब पैसों का मार्केट लेबर मतलब यहाँ पे इंसानों के लेन नहीं मतलब फाइनेंस सर्विसेज सर्विसेज का जब होता है इन सर्विसेज नेक्स्ट है प्रोडक्ट मार्केट फाइनल गुड्स ये जो भी फाइनल गुड्स की लेन हो रही है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट ठीक है सी एक्सपीरियंस कोई दिक्कत नहीं बेटा दस बच्चे पर अच्छे से ऑर्डर क्या दिक्कत है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चल ठीक है मैं तो मुझे तो चल ठीक है कोई नहीं रहने दो अब स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं ठीक है हाँ जिसमें से गाइस चलो कोई नहीं स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो सारे लोग जिसका कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है सबसे पहले होता है ऑन्ट्रप्रेनर ऑन्ट्रप्रेनरस कौन होते हैं ये वो लोग होते हैं जो नए नए आइडियाज नई नई चीज़ें सोचते हैं जिससे आपका बिजनेस आगे जाए प्रमोटर्स ये वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस को बनाते हैं गाइस इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस समझो ऑन्ट्रप्रेनर वो इंसान होता है जो कोई नया सोचे कुछ नया क्रिएटिव सोचे कुछ तूफानी सोचे That's और प्रमोटर वो इंसान होता है जो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को बनाता है दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी जो कंपनी फॉर्मेशन में आ रहा है दैट इज कॉल एस प्रमोटर ठीक है ये सही बोला जब ही भी तो ज, जब ही तो सौ में से सिर्फ आ अभिषे क्या लिखा है नेक्स्ट है कस्टमर जो गुड्स खरीद रहा है इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है बिजनेस ओनर जो ओन कर रहा है डायरेक्टर जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है शेयर होल्डर्स आदि एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी मैनेजर्स और मैनेजिंग ये सारे लोग पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है क्या कॉम्पिटिटर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं नहीं बाबा नहीं कॉम्पिटिटर्स हमारे इस टेबल के हिसाब से दे आर नॉट कंसिडर अ स्टेक होल्डर कॉम्पिटिटर्स कभी भी स्टेक होल्डर नहीं होते नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है फंक्शन फंक्शन क्या है बिजनेस का प्रोडक्शन परचे मार्केटिंग क्या करना चाहते हो क्या है प्रोडक्शन परचेस टैक्सेशन अकाउंट क्या फोकस क्या है आपका फोकस क्या है पूरे कंपनी पे जैसे रिलायंस एज अ ग्रुप पूरा देख रहे हो रिलायंस क्या रिलायंस का छोटा छोटा बिजनेस क्या रिलायंस पेट्रोलियम रिलायंस रिटेल रिलायंस जियो दैट्स अ पर्टिकुलर लाइन आप देख रहे हो उसका सिर्फ एक फंक्शन सिर्फ रिलायंस का प्रोडक्शन सिर्फ रिलायंस का परचेज सिर्फ रिलायंस का सेल्स सिर्फ रिलायंस का मार्केटिंग क्लियर ठीक है चलो कंसर्न क्या है सर्वाइवल सर्वाइवल का मतलब होता है हमें इतना पैसा कमा लेना है कि दैट्स इक्वल टू कॉस्ट अब जो गाइस हम बिजनेस में रिस्क ले रहे हैं टेंशन ले रहे हैं उसके बदले कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रोथ क्या होता है हमें इंप्लॉयज बढ़ने चाहिए प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए सेल्स बढ़ना चाहिए सस्टेनेबल हमें मेकश्योर sure करना है कि हमारा बिजनेस आज तो सस्टेन करे ही करे हमारा बिजनेस अभी तो सस्टेन करना ही करना चाहिए पर आने वाले समय के लिए भी सस्टेन करे हमारा बिज़नेस लॉन्ग टाइम के लिए आगे मिले सर मोटिवेशन कैसे मिलता है मिल जाता है बेटा अब तो पूछ रहा है कैसे मिलता है कई क्यों मिलता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ पूरी करने की मुझे हो सकता है कई के लोग के लिए मैं अच्छा लगूँ कई लोग के मैं ख़राब लगूँ बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने तरफ से बेस्ट हूँ मैंने यहाँ वादा किया हुआ इस चैनल पर मैं रोज आऊँगा मतलब जितना हो सके और मैं कोशिश को पूरा कर रहा हूँ ठीक है मैंने वादा किया था कि मैं पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे हालातों में पढ़ा रहा हूँ पढ़ाता रहूंगा कोई टेंशन नहीं बेटा मुझे अच्छा लगा सर करके बुला रहे उतना भी बहुत है आपने वर्ड दे दिया वही बहुत है बाकी आपकी इच्छा मैं नहीं बोल रहा यहाँ पे कोई टीचर अच्छा है मैं ये नहीं बोल रहा कोई टीचर खराब है दुनिया का हर एक टीचर जो किसी भी बच्चों को भले वो एक बच्चों को पढ़ा रहा है दस हज़ार बच्चों को पढ़ा रहा है एक लाख को पढ़ा रहा है पाँच लाख को पढ़ा रहा है या पूरे भारतवर्ष को पढ़ा रहा है पूरी दुनिया को पढ़ा रहा है वो किसी को भी पढ़ा रहा है वो एक नेक काम कर रहा है वो पढ़ा रहा है सब अच्छे होते गए इससे नजरिया बदलो बस सब अच्छे होते है बस नजरिया बदलो मेरा इतना मानना मैं नहीं कहता हो सकता है आपकी वेव लाइन किसका सेट हो जाए किसका जिसके साथ सेट नहीं हो रही ना उसका मतलब नहीं है कि उसका दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है वो अधु.. उसका जी... उसको पढ़ाने का अधिकार नहीं वो आप नहीं डिसाइड कर सकते आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको उससे नहीं पढ़ना है आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो नहीं पढ़ा सकता हो सकता है आज अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो सकता है तीन महीने बाद अच्छा पढ़ा है हो सकता है छः महीने बाद पढ़ा, तो उसको पढ़ाने का हक आप नहीं छीन सकते उसका हक है पढ़ाना वो पढ़ाएगा ये मैं मानता तो। हूँ

जो हमारा ब्रेक एंड मोटर भी बोलते हैं कि जो दुकान है चल रहा है लालच जी की दुकान दुकान करो शटर ओपन कर रहे हैं मिठाई है ऑनलाइन बेच रहे हो सॉरी खरीद, खरीद रहे हो बेच रहे हो खरीद रहे हो बेचो पर आज जो एक नया आ गया डिजिटल दुनिया आपने एक मिठाई का एक अपना ऑनलाइन ऐप बना दिया बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं आपसे मिठाई खरीदने आप उसको बेच रहे हो तो दैट इज मोड अब गाइस इसके वर्ड्स कहाँ से निकल कर आए इकोनॉमिक्स से लॉ से साइकोलॉजी से फिजियोलॉजी ऐसे बहुत सारे जोन से बहुत सारे जगहों से इसके शब्द इसके वोकेबलरी इसके वर्ड्स निकल कर आए हैं कि नहीं ये जो भी शब्दों की बात हो रही है ये जो भी वर्ड्स की बात हो रही है वही ना कहीं ना कहीं से निकल कर आए अब नेक्स्ट है बी के ज़रूरी क्यू है द चार्ट अकाउंटेंट आर कॉल एज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल रिसोर्स एग्जाम ए बी एम सी क्यू बनाए सी ए कॉल एज ए कस्टोडियन ऑफ द नेशनल रिसोर्स बिजनेस एंड कॉमर्स कंपनी इज द लास्ट शेयर यू नो हर एक हमारे सी ए का काम होता है बिजनेस को चेक करना क्या बिजनेस सही काम कर रहा है क्या जो बिजनेस ने डेटा बताया क्या सही डेटा है कि नहीं एज अ सी अगर आपको उस बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है आपको उस बिजनेस के बारे में आइडिया ही नहीं है तो आप उसके ऑडिट उसकी बैलेंस शीट कैसे चेक करोगे अगर आपको पता होना चाहिए ना वो चीज है कि यार इसका इन्वेंट्री किस पे मेजर करूं अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रॉफिट आप जैसे कि पांच साल लगते एक बिल्डिंग को बनने में तो क्या पांचवें साल जाके पूरा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे कि थोड़ा 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 हर साल करते रहो तो आपको देखना है कि कैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो रहा है पर उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ना वो बिजनेस क्या होता है आपको अगर आपको किसी एफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स को देखना है उसकी इन्वेंट्री को मेजर करना तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं होती ये छह आठ महीने में गुड्स एक्सपायर हो जाते हैं तो क्या उनने अपने इन्वेंट्रीज में वैसे गुड्स भी कंसिडर करके रखे हैं कि नहीं जो गुड्स बहुत ही जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं, मतलब 10-15 दिन में एक्सपायर होने वाले हैं उनको हमें गिनना नहीं चाहिए तो ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगी आप एक्चुअल इन्वेंट्री एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल रेवेन्यू ये सारी चीजें कब देख पाओगे ये सारी चीजें आप कब कर पाओगे जब आप कहीं ना कहीं ढंग से सोचोगे आप ढंग से बिजनेस को समझोगे आपको बिजनेस का नॉलेज होगा इसलिए सब्जेक्ट निकल कर आया है कि भाई साहब आप बिजनेस को सोचो आपको बिजनेस के बाद नॉलेज होना चाहिए आपने प्रैक्टिकल नॉलेज ले लिया आपको पता है ऑडिट कैसे करते हैं आपको पता है टैक्स कैसे फाइल करते हैं अब आपको उसका बिजनेस का भी नॉलेज आ गया तो आपको पता चल जाएगा ना कि कैसे क्या करना है जैसे एक रियल एग्जांपल देता है मूवी का भी जैसे टीवी सीरीज आई थी जो हाफ सी ए करके आया था उसमें एक दादाजी उसके पास आते कैसे टैक्स बचाना है उसको सेक्शन पता था ऐसा उसने देखा अरे हाँ ये होता है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो जब आपको एक सिचुएशन का पूरा नॉलेज होता है तो आप अच्छे से गाइड कर पाओगे अच्छे से बता पाओगे कौन सा सेक्शन लगेगा कैसे लगेगा तो यहां पे हमारा बीसी के हमें मदद करता है नेक्स्ट इस तरीके से चार्टर शेल बी एबल टू कंडक्टेंटली स्ट्रैटेजिक में प्लान अगर उसको सारे बिजनेस के प्रोडक्शन परचेज सेल्स मार्केटिंग सबका आइडिया होगा तब वो इन टीम मेंबर्स के साथ इनके एम्प्लॉय के साथ बढ़िया तरीके से अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं अच्छे से टीम वर्क के साथ काम कर पाएगा कि नहीं जो भी टारगेट है जो भी गोल है ढंग से अच्छे से अचीव कर पाएगा क्लियर चलो गाइस पंद्रह बच्चों ने वीडियो लाइक कर दिया लव यू गाइस अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक का चलते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटीज कितने तरीके की होती है एक होती है जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाने के लिए उससे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक होती है खुशी लगाव अटैचमेंट में उससे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट फॉर लाइवलीहुड जिंदगी जीने के लिए मेरे पापा एक, एक दुकान चला रहे हैं जिंदगी जीने के लिए मेरे पापा सीए है लॉयर है प्रैक्टिस कर रहे हैं जिंदगी जीने के लिए मेरे पापा एक जॉब कर रहे हैं जिंदगी जीने के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक जिंदगी जीने के लिए क्या कर रहे हैं इकोनॉमिक एक एक्टिविटी में हमेशा एक सवाल निकल कर आता है आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है अगर मैं किसी के लिए जॉब कर रहा हूं तो बदले में कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करूंगा फॉर uh, एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल देता हूँ आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही क्योंकि वो आपसे लगाव करती है आपसे अटैचमेंट है वो आपको अपने ज, अपने जान से ज्यादा चाहती है वो रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही तो आंसर नॉन इकोनॉमिक बट अब आपकी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है आप इंस्टेड ऑफ दिस वॉज रिकॉर्डेड सेशन ऑफ लास्ट ईयर ठीक है ठीक है वो भी कर सकते हो बच्चों अगर आपको वो करना है तो गाइस अगर आपको आपकी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है आपने सोचा क्यों ना हम जोमेटो पे एक एक रेस्टोरेंट का नाम बना के वहां पे अब मम्मी का खाना ऑनलाइन बेचना शुरू करें तो जब हमारा इंटेंशन अब पैसा कमाना हो गया हमारा इंटेंशन पह कमाना हो गया दैट्स इकोनॉमिक पर जब हम खुशी में लगाव में अटैचमेंट में कर रहे हैं उससे हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक क्लियो चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं गाइस सो यूजुअली इकोनॉमिक्स आर से टू ड्रिवन बाय रैशनैलिटी हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है आर ड्रिवन बाय इमोशनल सेंटिमेंट्स सेल्फनेस हमें सेल्फलेस कंसर्न है कहीं ना कहीं हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है हमारा मकसद क्या है हमारा मोटिव क्या है उससे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी चलो अब आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट है यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी और ड्रिवन बाय ये मैंने आपको बता दिया ये हमने सब डिस्कस कर लिया हाँ, फटाक से करते हैं अब करतेरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो सबसे पहले कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है पैसे कमाने के लिए हर कोई इंसान काम क्यों कर रहा है एक ही इंटेंशन के साथ पैसे कमाने के लिए अब पैसे कमाने के दो तीन तरीके हो सकते हैं या तो गाइस आप मेहनत करके दिमाग लगा के एफर्ट्स डाल के सामान उठा के जो आपकी मेहनत की कमाई है जो हमारी मेहनत की कमाई है जिसको हम बोलते हैं अर्न आप अपनी दिमाग अपनी ताकत अपना बल जो लगा के पैसा कमा रहे अर्न कई लोग पैसा कमाते थ्रू रेंटल जो उनके पास प्रॉपर्टी होती है वो उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हैं क्या करते हैं जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है जो भी उनके पास एसेट है, है वो कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टी को एसेट को गिरवी रख के पैसा कमाते हैं रेंटल और गाइस जरूरी नहीं है हर बार आपको पैसा ही मिले मैं किसी जमींदार के नीचे काम कर रहा हूँ उसने बोला आप मेरा काम कर दो मैं बदले में आपको पैसे तो नहीं दूंगा बट आपको रहने की जगह खाने के लिए खाना पहनने के कपड़े दे दूंगा ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहता है रिटर्न में पैसे नहीं रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए जब भी रिटर्न में मुझे कुछ भी मिलेगा यह किस तरीके की एक्टिविटी हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल दिस इनकम मे बी जैसे मैंने आपको बताया ना कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पैसा ही मिले वो जमींदार ने आपको बोल दिया कि भाई मैं तेरे को कपड़े दे दूंगा खाने के लिए खाना दे दूंगा तो भी वो हो जाएगी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर क्लियर है कि नहीं चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्टिव यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बनता है हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बनाते ही बनाते हैं पार्टिसिपेशन कुछ ना कुछ या तो कोई गुड्स या तो कुछ सर्विस कुछ ना कुछ बनेगी प्रोडक्शन में दो तरीके के प्रोडक्शन हो सकते हैं एक होता है सेल्फ कंजम्पशन और एक प्रोडक्शन होता है सप्लाई साइड देखो क्या okay गाइस जो हमारा प्रोडक्शन होता है दो तरीके से हो सकता है जो भी हमने गुड्स बनाए जैसे कि एक, एक फार्मर है एक फार्मर है बिजनेस के लिए क्राइटेरिया होता है आपने जो भी गुड्स बनाए ना आप खुद पूरा खा जाते हो तो बिजनेस नहीं है बिजनेस नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर है कि आपने गुड्स क्यों बनाए ताकि आप जी सको बट अगर आपको उसको बिजनेस बनाना है आपने राइस उगाए है उसको बिजनेस बनाना है तो आपको उसको मार्केट में बेचना पड़ेगा यह बिजनेस की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि यू नीड टू सेल द प्रोडक्ट हमें उसे बेचना जरूरी है दैट इज कॉल्ड एस कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट जो भी गुड्स हमने बना लिए है उसको बेचना जरूरी है क्लियर क्लियर क्लोर है कि नहीं यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि नहीं ठीक है रिजवान जब मुझे अनकाडमी बोलेगा छोड़ने को मैं छोड़ दूंगा आप इतना टेंशन मत लो बेटा ठीक है और क्या हो जाएगा मेरी गुडविल क्या हो जाएगी जो ना हो जाएगी आप इतना टेंशन मत लो क्लियर चलो आगे बढ़ते हाँ सो फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनसेट द टिलर्स इज द फॉर्म ऑफ ठीक है ये हमने पढ़ लिया अब नेक्स्ट है इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ गुड्स बना लेना इम्पोर्टेंट नहीं है हमने जो 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 हम गुड्स बनाते हैं हर एक कंज्यूमर गुड्स को कहीं ना कहीं कंज्यूम करता है तो वो भी कहीं ना कहीं एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि जब जब एक कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा जब वो कंज्यूम करेगा तभी तो कोई ना कोई प्रोडक्शन करेगा अगर आप चाहते हो कोई इंसान प्रोडक्शन करे कोई गुड्स बनाए उसको कंजम्पशन होना जरूरी है तो जितना ज़्यादा इकनॉमी में कंजम्पशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा उतना ही कोई प्रोडक्शन करेगा ऐसा बुक में लाइन दिया हुआ है एवरी यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ फ़ायदा देता है जितना ज़्यादा उसको फायदा होगा उतने ज़्यादा गुड्स बनाएगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा वो सब अपने इकोनॉमिक्स में बढ़ा हुआ है तो दैट्स द कंजम्पशन तो कंजम्पशन मैटर करता है खाली सिर्फ और सिर्फ गुड्स बना लेना काफ़ी नहीं है खाली सिर्फ और सिर्फ गुड्स बना लेना काफ़ी नहीं है जो हमने गुड्स बनाए हैं उसको कहीं ना कहीं कंज्यूम भी करना है कि नहीं जो भी गुड्स जो भी प्रोडक्ट हमने बनाए हैं कहीं ना कहीं उसे हमें कंज्यूम भी करना है रिप्रेजेंट द डिमांड साइड दट इज द गुड्स एंड सर्विस पीपल विल स्पेंड जो गुड्स वो खरीदना चाहेंगे पैसे कमाने के लिए सिर्फ गुड्स बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है जो पैसे है अब जो पैसे होते हैं ना पैसों के तीन चीज हो सकती है दो चीज हो सकती है या तो आप उन पैसों को खर्च कर दोगे जिससे हम बोलते हैं कंजम्पन या जो पैसे है उसको हम करेंगे सेविंग्स अमाउंट दैट पीपल स्पेंड जो स्पेंड करते हैं दैट कॉल्ड कंजम्शन और जो हमारा अनस्पेंड इनकम होता है जो लोग खर्च नहीं कर रहे हैं उससे हम बोलते हैं सेविंग्स यार मैंने पचास हजार रुपए कमाए चालीस हजार रुपए मैंने अपने घर खर्च में खर्च कर दिए कितने बचे दस हजार रुपए दस हजार रुपए क्या हो गई मेरी सेविंग्स तो अब जो सेविंग्स है ना घर पे पड़े पड़े, पड़े बनने वाली ये सेविंग्स को हम क्या करते हैं कहीं ना कहीं हम अपने बैंक में डालते हैं या म्यूचुअल फंड में डालते हैं इससे कहीं ना कहीं हमें कुछ रिटर्न आता इन्वेस्टमेंट जब सेविंग्स में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आने लगे कुछ एक्स्ट्रा मुनाफा आने लगे तो उसको हम बोलते कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अब सपोज़ मैंने बैंक को पैसा दिया बैंक को दस हज़ार दिए बीस हज़ार दिए तीस हज़ार दिए अब यही बैंक उन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगी सपोज सरकार को लोन पे देगी सपोज कंपनीज को लोन पे देगी जिससे कहीं ना कहीं वो नए गुड्स बनाएंगे नए रोड्स बनाएंगे नए डैम बनाएंगे नए ब्रिज बनाएंगे नए प्रोजेक्ट करेंगे और जिससे देश का ग्रोथ होगा जिससे देश की वेल्थ बनेगी तो लोग जितना बचाते हैं उतना इन्वेस्टमेंट होता है और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही वेल्थ भी बढ़ता है कि नहीं उतना ही वेल्थ बनता है कि नहीं सी ए फाउंडेशन जून ट्वेंटी फोर्थ का प्लस बैच इज गोइंग टू तो स्टार्ट आदित्य फ्रॉम थर्टी एथ ऑफ सेप्टेम्बर आज शाम को उसका लॉन्च सेशन है जरूर से आइएगा और आपकी इच्छा आपको लेना है नहीं लेना अभी मैं आपको दिसंबर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं ठीक है चलो देखा गाइस कितना पॉजिटिविटी था हिम्मत नहीं हारने का गाइस कभी भी लाइफ एक चीज सिखाता हूं मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है खोने के लिए कुछ नहीं है पाने के लिए सब कुछ है खोने के लिए कुछ नहीं है पाने के लिए सब कुछ है लोग क्या सोचते हैं वो लोगों का सोचना है हमारा काम है सिर्फ काम करते रहना हमें बस ये सोच के करते रहना हम अच्छा कर रहे हैं बस और लोग अगर आपको कुछ ओपिनियन दे रहे हैं कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उस ओपिनियन को सुनो बस काम करते रहो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब फिर से हम आगे बढ़ेंगे अब बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिव बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है जब मैंने आपको बताया था द मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन जो गुड्स आपने बना लिए है उसे कहीं ना कहीं हमें मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा कि नहीं वो गुड्स को अगर खुद हम अपने पास में रख लेते हैं तो बिजनेस कहलाएगा क्या नहीं जो गुड्स हमने बनाए हैं कहीं ना कहीं हमें मार्केट में जाके बेचना है द शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंशन ड्रिवन प्रोडक्शन टूअ द मार्केट सब्सटेंशन ड्रिवन प्रोडक्शन का मतलब क्या है मैंने कोई गुड्स बनाए क्यों बनाए ताकि उन गुड्स को कहीं ना कहीं मैं कंज्यूम कर लूँ अब मार्केट रिवन का मतलब है जो गुड्स मैंने बनाए हैं कहीं ना कहीं मुझे मार्केट में जाके बेचना है कि नहीं जो भी गुड्स जो भी प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं उसको कहीं ना कहीं मार्केट में जाके बेचना है कि नहीं उससे हम कहीं ना कहीं बोलते हैं एक तरीके का मार्केट ड्रिवन क्या बोलोगे उसको हम कहीं ना कहीं बोलेंगे मार्केट ड्रिवन बिजनेस ये कम ये हमारा प्रोडक्शन बिजनेस तभी बनता है जब नॉट फॉर सब्सटैंशन ड्रिवन हो वो ड्रिवन हो फॉर मार्केट मतलब मार्केट ड्रिवन मतलब आपने गुड्स बनाए है क्यों है ताकि आप उसको मार्केट में जाके बेच सको ठीक है फ्रॉम द ब्रॉडर परस्पेक्टिव अब बिजनेस के तीन डेफिनेशन होती है एक होता है ब्रॉडर एक होता है नैरो और एक होता है बहुत छोटा तो ठीक है ब्रॉडर का मतलब होता है कि सारी चीज आ जाए पूरी दुनिया जगत की बिजनेस एक्टिविटीज आ जाए पूरे दुनिया भर का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग सारी एक्टिविटीज जितनी भी सारी एक्टिविटीज हमने देखी है ना वो सब के सब बिजनेस में आ जाए तो दैट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी चीजें आ जाए प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड सारी चीजें कहीं ना कहीं इकनॉमिक दूसरा अब इसके वाला, इसमें एक और ही था वाइडर एक उसके छोटा वाला उसमें क्या बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम किसी एक सेक्टर की बात कर रहे हैं सपोज रियल स्टेट इंडस्ट्री सब और सबसे छोटे में आता है सबसे बेसिक में आता है कि बिजनेस का मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी करना ऐसी कोई एक्टिविटी करना ऑन अ रेगुलर बेसिस जहां पे मेरा मकसद जहां पे मेरा मोटिव लक्ष्य टारगेट क्या है पैसा कमाना जब मैं कहीं ना कहीं पैसा कमाना प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा हूं मैं कर रहा हूं कहीं ना कहीं बिजनेस आई एम गोइंग टू टीच बी सी के एंड इकोनॉमिक्स तो मैं दोनों पढ़ाने वाला हूं आज मैंने सिर्फ इसका मैं ना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पहले का सारा टॉपिक पढ़ा दूंगा और कल एक और सेशन होगा जहां पर मैं आपको रिमेनिंग चीजें भी पढ़ाऊंगा ठीक है और उसके बाद वाला रिमेनिंग टॉपिक्स मैं वो भी पढ़ाऊँगा ठीक है कोई टेंशन लेने की बात नहीं अपन इधर ही है अपन किधर जाने वाला नहीं है अपन किधर भी जाने वाला नहीं है किधर भी जाने वाला नहीं है किधर जाने वाला नहीं सीखेगा इम्प्रूव होगा बेटर बनेगा लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अब कैरेक्टर सिक्स पढ़ते हैं अब गाइस सबसे पहले मैं आपको बेसिक मतलब बताऊँ सी ना कैरेक्टर सिक्स का ओपन करते हैं ना आ जाना तो गाइस व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन का मतलब होता है जब हम कोई ना कोई एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं जैसे कि डॉक्टर सी ए लॉयर बट ये प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए डॉक्टर के पास एम बी बी एस होना चाहिए लॉयर के पास एल एल बी होना चाहिए सी ए के पास आई सी आई की डिग्री होनी चाहिए आपको वो डिग्री हासिल करनी पड़ेगी जब आप वो डिग्री हासिल कर लोगे जब आप वो क्वालिफिकेशन हासिल कर लोगे तब आप काम कर सकते हो अंडर प्रोफेशन तो बिजनेस का मतलब होता है याद रखना मार्केट ओरिएंटेड मार्केट ओरिएंटेड मतलब आपने जो गुड्स बनाए हैं आपको उसको मार्केट में बेचने पड़ेंगे या तो इंडस्ट्री हो ट्रेड हो या कॉमर्स हो प्रोफेशन का मतलब होता है कोई प्रोफेशनल सर्विस देना डॉक्टर की सीए की लॉयर की तो दैट इज कहीं ना कहीं प्रोफेशन रेंडरिंग सर्विस स्पेशलाइज जो वो ही लोग दे सकते हैं एक सीए की सर्विस सीए ही दे सकता है इलाज पेशेंट का इलाज डॉक्टर ही कर सकता है आपका केस एक लॉयर ही लड़ सकता है और प्रिस्क्राइबर कोड ऑफ कंडक्ट और लास्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है हम किसी के लिए काम कर रहे हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है सैलरी और वेजेस डेली बेसिस पे हो तो वेजेस और यही मंथली बेसिस पे हो तो सैलरी बिजनेस कब स्टार्ट होता है जब हमारे पास एक जिगरा आ जाए जब हमारे पास हिम्मत आ जाए हमें बिजनेस करना है कुछ कर दिखाना है डिसीजन प्रोफेशन में क्या होता है जब हम उस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बन जाए हम लॉय हम क्या एम बी हम क्या बोलते हैं एम्स के या आई के हमें डॉक्टर करना है तो एम्स के मेंबर बनना होगा आई सी करना है तो आई का मेंबर बनना पड़ेगा जब हम इसके मेंबर बन जाएंगे तब हम काम करना शुरू कर देंगे और नौकरी कब शुरू होती है जब कॉन्ग्रेचुले मेरी नौकरी पक्की हो जाए क्या हो मेरी नौकरी पक्की हो जाए और मुझे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिले नेक्स्ट है सोर्स ऑफ लिविंग बिजनेस करने के बदले रिटर्न में क्या मिलता है प्रॉफिट प्रोफेशनल सर्विसेज में रिटर्न में क्या मिलता है प्रोफेशनल फीस और कोई भी इंसान अगर जॉब कर रहा है तो डेली बेसिस पे मिलेगा वेजेस और मंथली बेसिस पे सैलरी बिजनेस करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन कोई भी डिग्री कुछ नहीं चाहिए होता है पर अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस कर रहे हो तो उसके हिसाब से कंपल्सरी है अगर सीए की प्रैक्टिस करनी है तो सीए डिग्री की डिग्री लेकर आओ अगर लॉयर की प्रैक्टिस करनी है तो एल एलबी की डिग्री लेकर आओ डिग्री लाना लाना क्वालिफिकेशन नहीं हाँ हाँ ठीक है ठीक है जो आपका बॉस बोले बॉस बोलता है दसवीं पास बारहवीं पास ये पास वो पास या बॉस बोलता है यह एक्सपीरियंस ऐसा चाहिए जो आपका बॉस बोलेगा उस तरीके का क्वालिफिकेशन चाहिए कि नहीं जो आपका बॉस बनेगा उस तरीके का क्वालिफिकेशन उस तरीके की डिग्री चाहिए नहीं हाँ मैं मैराथन ही करा रहा हूँ ठीक है आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट है गाइस एथिकल गाइडेंस क्या गए जो आपके यू नो जिसम जिस, जिस इंसान ने कंपनी बनाई है उसे कुछ एथिक्स होते हैं कुछ अंडर मॉरल्स होते हैं कि यार मैं बिजनेस ऐसे करूँगा मेरे बिजनेस उसके सिद्धांत प्रत्र, परंपरा प्रतिष्ठा ये रहेगी सबसे ज़्यादा नियम कायदे कानून प्रोफेशन होते हैं और जब आप सी पढ़ोगे तो आपके फाइनल ईयर में पूरे कोड ऑफ कंडक्ट आते हैं मैंने जब सी पढ़ा था वहाँ पर भी आए हैं सी ए हर एक इंस्टीट्यूट के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं क्योंकि जब आप वो इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो उसके जो भी नियम कायदे कानून हैं आपको फॉलो करने और लास्ट एम्प्लॉयमेंट में जो भी गाइस आपके कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके कुछ नियम कायदे कानून होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस में सबस्टैंशियली बहुत ज्यादा पैसा लगता है देखो डिपेंड करता है आप छोटा बिजनेस कर रहे हो अब एक छोटा मोमो का स्टॉल लगा रहे हो क्या एक फाइव स्टार होटल कर रहे हो पर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा कहीं ना कहीं पैसों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा आपको पैसा और लगाना पड़ेगा सब रिक्वायरमेंट प्रोफेशन में देखोगे छोटा मोटा जैसे कि यार आज सी ए की प्रैक्टिस करनी है आपके दिमाग आपकी स्किल्स पे पैसा मिल रहा है तो छोटा सा टेबल कुर्सी लेके भी काम करोगे चलेगा हाँ छोटा मोटा सेटअप चाहिए होता है जैसे कि आप देखोगे ना कि बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो नए नए लॉयर्स होते हैं स्टार्टिंग में कोर्ट के बाहर ही अपना छोटा सा एक टेबल कुर्सी लगा के काम शुरू कर देते हैं इतना कोई ताम झाम नहीं करते हाँ जैसे जैसे ग्रो होते जाओगे आप अपना सेटअप बढ़ा सकते हो बट कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ऑफिस वॉफिस लेना जरूरी है और नौकरी में तो पैसा नहीं लगता टिफिन लगता है आप किसी यहाँ काम करने जा रहे हो और वो आपको बदले में सैलरी और पगार दे रहा है क्लियर है? क्लियर है कि नहीं यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो जल्दी जल्दी बताइएगा यहाँ तक चीजें क्लियर है तो जल्दी जल्दी बताइएगा यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो जल्दी जल्दी बताइएगा अब गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है पर्सनल ऑटोनॉमी आजादी सबसे आ बड़ी आजादी होती है बिजनेस में ये आपका बिजनेस है ये आपका व्यापार है इस बिजनेस को इस व्यापार को आपने बनाया है तो आप जैसे चाहो जब चाहो जितना चाहो चला सकते हो दे इज खुद के आप बिजनेस हो आपका बिजनेस है बॉस आपने खड़ा किया है आप जैसे चाहो इसको चलाओ आपको कोई रोकने वाला नहीं प्रोफेशन में थोड़ी बहुत आज़ादी होती है बट क्यों आप एक काम कर रहे हो एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके कुछ दायरे में उसके कुछ नियम कायदों को फॉलो करते हुए करना है और बिज एम्प्लॉयमेंट में कोई आज़ादी नहीं भाई हम किसी के लिए काम कर रहे हैं हमारा बॉस जो टाइम पे बोलेगा जिस टाइम पे जाने को बोलेगा वैसे करना पड़ेगा तो दैट्स नन अब साइकोलॉजिकल मोटिव कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है व्यापार कर रहा है तो क्या सोच के कर रहा है बिजनेस कर रहा है व्यापार कर रहा है इकोनॉमिक अचीवमेंट क्या भाई पैसा कमाना है गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करके उसको बेचना है कैसे भी करके पैसा कमाना है प्रोफेशन में एक अच्छी बात है कि समाज में बहुत डिग्निटी दी जाती है देखो प्रोफेशन डॉक्टर्स ये लॉयर भी पैसा कमाते हैं बट कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन और होता है लोगों को सर्विस देना जो चीज़ उनके पास एक्सपर्टीज़ है जैसे एक डॉक्टर लोगों का इलाज करना एक्सपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स अपने नॉलेज से लोगों को सर्व करना चाहता है लोगों की जो बीमारी है उसको ठीक करना चाहता है और लास्ट एक गाइस नौकरी क्यों कर रहे हो एक ही मकसद है भाई ज़िंदगी जी सको पैसा कमा सको हाँ यहाँ पे इकोनॉमिक अचीवमेंट में बहुत सारी चीज़ आ सकती ग्रोथ सर्वाइवल प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी ये सारी चीज़ें सर्टिनिटी दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कोई व्यापार नहीं है जहाँ पे सर्टनिटी होता है कि इतना पैसा इतना मुनाफा तो आ ही जाएगा कोई सर्टनिटी प्रोफेशन में एक बार आपको थोड़े बहुत आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि थोड़ी बहुत सर्टनिटी तो होगी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो आप कमा ही लोगे क्या कहे थोड़ा बहुत आप पैसा तो कमा ही लोगे थोड़ी बहुत कमाई तो आ ही जाएगी क्ल आगे क्ल बेटा 90 प्लस मेहनत करके आ सकते हैं वीडियोस देख के नहीं आ पाएंगे अब अगर 90 प्लस कैसे लाने उसकी वीडियो देखोगे तो नहीं आएंगे सर हार्श रियालिटी बुलाता हूँ नाइन्टी प्लस का दो ही रीजन्स आ सकते हैं सबसे पहले देखो सिलेबस क्या है सिलेबस को समझो नाइन्टी आपको कम से कम पूरा ही प्रिपेयर करना है कौन से टॉपिक रह गए उनको पहले ख़त्म करो और सारे टॉपिक्स को पैरल रिवाइज करो एकदम हार्श रियालिटी है आप चाहते हो बना दू हाउ टू गेट स्ट्रैटेजी वगैरह मैं वीडियोस बनाऊंगा पर एक्चुअल में रिजल्ट तभी आएगा जब आप मेहनत करना शुरू करो मैं दस बार पंद्रह बार जितनी बार भी हम रिवाइज करा दो कोई दिक्कत नहीं है पर आपके मार्क्स तभी आएंगे जब आप पढ़ना शुरू कर दो तो क्वाइटा बेट होता है प्रोफेशन में क्यों क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर रहे हो तो आपको पगार कुछ आपके कुछ ना कुछ क्लाइंट्स हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको मिलता रहेगा और जब आप किसी के लिए नौकरी कर रहे हो तो ऐसा बोला जाता है थोड़ी सी श्योरिटी ज़्यादा है कि भाई कुछ ना कुछ फ़ायदा कुछ ना कुछ तो पैसा आने ही वाला है कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है क्लियर है कि नहीं नेक्स्ट है स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पे रहती है सर्टन आपका बिजनेस है जब तक चलाना है चलो लेकिन उससे ज्यादा सर्टन मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी इधर रहती है ठीक है और लास्ट से ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट आप हाँ अपने बिजनेस को किसी और को चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो बट प्रोफेशन में आप डॉक्टर हो आपका बेटा डॉक्टर नहीं, नहीं कर सकते आप नौकरी कर रहे हो आप कल से बोलोगे मैं आप एक जगह नौकरी कर रहे हो उधर बोल के आगे कल से मेरा बेटा नौकरी करने आएगा चलेगा क्या चलेगा क्या बिल्कुल भी नहीं तो ठीक है गाइस आज के हमारे फोर्टी फाइव मिनट्स हो गए हाँ जैसे एक्सपीरियंस बोल रहे हैं वहाँ जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं आपकी इच्छा ठीक है जहां आपको जैसे करना है जो करना है आपका कॉल है मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं ठीक है चलो ठीक है ये एक पॉइंट रह गया ना एक सेकेंड एक पॉइंट थोड़ा सा रह गया क्या स्टेबिलिटी और देखो बिजनेस में कोई एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड Uff. Chalo. ठीक है मैं आपको ये बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा आगे का फोर्टी फाइव मिनट्स हो चुके हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जोश के साथ आना हमारी वेनजडे को होगी मोस्टली मंडे टू से चैप्टर के पहले मैं एमसी क्यूज चलो मैं एमसी क्यूज कर रहा हूं जहां पे हम करेंगे वेनजडे और थर्सडे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले तो जरूर से आएगा पहले कल परसों इसके क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के मैं समझ लो आपकी क्या दिक्कत है क्या नहीं और फिर वेनेसडे और थर्जडे इस चैप्टर को फिर से यूट्यूब पर करेंगे तो आज के लिए इतना मिलता है नेक्स्ट क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर देना कमेंट्स जरूर करते जाएगा कैसा क्या लगा और गाइज फीडबैक मोस्ट वेलकम है देखो हेट दो कोई दिक्कत नहीं है आपकी जिंदगी आपका हक है बट गाइस अगर कोई स्कोप हो कि सर आप ये चीजें करो ये बेटर करो आप इंप्रूव हो सकते हो तो जरूर से दीजिएगा एंड वो सजेस्ट करूंगा प्लीज टेलीग्राम पर मुझे रीच आउट कर सकते हो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो आपको पता है ढूंढना इजी डिफिकल्ट नहीं है टेलीग्राम पर मैसेज करो सर यह दिक्कत है वगैरह आई विल वर्क मैं पढ़ाऊंगा दिसंबर में जान डाल के पढ़ाऊंगा रोज पढ़ाऊंगा मन लगा कितनी ज्यादा जोरदार पीपीटी बना रहा हूं टीम बना रहा हूं सब कर रहा हूं आप जरूर से आइएगा बस सपोर्ट कीजिए गाइस जहां भी फीडबैक हो बताइए जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते हम आने वाले समय को बेटर बना सकते हैं जो हो गया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था हमारे कोई टीचर्स का कोई हाथ नहीं था हमसे पढ़ाते हैं और हम पढ़ा रहे हैं बाकी आपकी इच्छा आपकी ज़िंदगी आपका कॉल है ठीक है चलो आज के लिए इतना ही नमस्ते वे गणपति बाप्पा मोरिया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले विथ फुल जोश के साथ फुल एनर्जी